विष्णु जैन जी, आपका स्वागत है सवाल पब्लिक का शो पर। और विष्णु जैन जी, आज आज तो एक बेसिक सवाल उठ खड़ा हुआ है। सवाल ये उठ के खड़ा हुआ है कि क्या सर्वे को कभी किसी ने रोका ही नहीं था? आप जरा फैक्ट्स पर, ये यहाँ पर हमारे साथ हमारे गेस्ट हाजी मेदरीन रंगरेज साहब बैठे हैं, इस्लामिक स्कॉलर है, ये कह रहे हैं कि वहां की कभी किसी ने किसी को रोका ही नहीं। 12 मई को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 6 और 7 तारीख को आउटर एरिया का कमीशन हुआ, उसके बाद एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के ऊपर आरोप लगाया गया कि आप बायस्ड हैं। उन्होंने कहा, भाई बायस कैसे हो सकता हूँ, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, कैमरा है, बायसनेस ही कहाँ से बात आती है, अभी तो सर्वे शुरू भी हुआ है, शुरू भी नहीं हुआ है। कहा नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते। 12 मई को कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने कहा कि नहीं, ताला तोड़ के चाहे जैसे भी आप मस्जिद के अंदर जाइए और सर्वे करिए। और जैसे आज विरोध किया जा रहा है नाविका जी, उस समय भी विरोध किया गया था और सर्वे हुआ और लोगों के सामने सच आया। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब यहाँ पे शिवलिंग का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा तो शिवलिंग का अर्घा हम लोगों को मिलेगा। ये शिवलिंग कितना पुराना है ये लोगों के सामने आएगा। हमारी एप्लीकेशन को कोर्ट ने रिजेक्ट किया सिर्फ इस आधार पे। चलिए रंगरेज साहब, आपको दिक्कत थी फैक्ट से और आपने कहा था विष्णु जैन जी, क्योंकि आपने देखा पैनल पे शायद विष्णु जैन जी नहीं है, तो आप सच को तोड़ मरोड़ के सबके सामने पेश करेंगे। विष्णु जैन जी ने एकदम एन वक्त पर एंट्री मारी और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, एकदम हिंदी फिल्म स्टाइल घुसे हैं क्लाइमैक्स सीन में और उन्होंने सत्य और असत्य के बीच का जो फासला है वो दिखा दिया। लेकिन अब आप बोल, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। आप तो उनकी बात को ऐसे सच मान रहे हैं जैसे भगवान ने आप कह दिया हो और इसके बाद कोई बात ही नहीं। अरे भाई, आपने ही चुनौती दी थी विष्णु, तो सुनिए, आप बिल्कुल स्वीकार करिएगा, लेकिन मैं आपकी याददाश्त के लिए थोड़ा सा और मेहनत मैं ही कर लेती हूँ। मैं आपको एसएम यासीन साहब की साउंड बाइट सुना देती हूँ, क्योंकि आपकी याददाश्त चल नहीं रही है। नहीं नहीं, आपकी याददाश्त नहीं चल रही, मैं आपकी दुरुस्त कर दूं याददाश्त। सुन लीजिए, एसएम यासीन ने अप्रैल में क्या कहा था। राजनीति तर्कसंगत लगती है, क्योंकि कोर्ट ने अगर ऑर्डर किया सारी चीजों को अच्छा है, वही तो मैं कह रहा हूँ, कोर्ट अगर ये ऑर्डर कर दे जाके यासीन साहब की गर्दन काट ले आइए, तो हम बढ़ जाए चुपचाप, आइए भैया गर्दन काट लीजिए मेरी। नहीं सर, वो अलग नहीं, माफ कीजिएगा, एक ही चीज है। जब एक कानून बना हुआ है, इस दायरे के अंदर सिर्फ मुसलमान आ सकते हैं या सुरक्षा कर्मी आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता, तो क्या वो कानून छोड़ दिया जाए, बिल्कुल बंद कर दिया? इसका मतलब फिर तो छोड़ दीजिए, सब खुलेआम आते जाते रहे लोग। हम तो ये कह रहे हैं, हम कानून के दायरे में रहते हैं, उन्हें अंदर नहीं आने देंगे, बस। नहीं तो इसका क्या सलूशन फिर आपके हिसाब से क्या सलूशन निकलेगा? सलूशन कुछ नहीं, श्रृंगार गौरी का जहाँ का केस है श्रृंगार गौरी पर जाएं, श्रृंगार गौरी का देखें, श्रृंगार गौरी से करें, कोई मतलब नहीं है उससे। तो अगर जाएगी टीम, जाएगी वीडियोग्राफी करेगी, फोटोग्राफी करेगी, ऐसा है प्रशासन मंजूरी देती है तो वीडियोग्राफी करें, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं, बैरिकेडिंग के अंदर नहीं। हाँ, तो मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद के अंदर नहीं, लेकिन क्या कहा उन्होंने? आपने सुना नविता जी, क्या उन्होंने क्या कहा? हाँ, क्या कहा उन्होंने? कहा कि पुलिस भी अंदर आ सकती है, मस्जिद के अंदर भी चल रही है, आप देखिए ना, देखे विष्णु शंकर, ये जो हमारे भाई विष्णु शंकर जैन जी जो है ना, विशाल मिश्रा का उदाहरण दे रहे थे, उनसे उनके ऊपर अटैक किया गया। अरे अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, अगर ये पढ़े लिखे हैं और आपकी टीम होगी, विशाल मिश्रा की टीम होगी, उन्होंने अपना से क्यों भाग रहे हैं, मुद्दे से क्यों भाग रहे हैं? लीजिए कि वहां पर लोगों को रोका गया था, वहां तमाम किस्म के वहां पर बोले गए थे बोल, और किस तरह से डराया धमकाया था, बोल तो दोनों तरफ से बोले, गला काटने की धमकी भी पहले तो आप कह रहे थे किसी ने किसी को नहीं रोका, थोड़ा सा सच, चलो उन्होंने चलिए 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 तो थोड़ा विरोध तो नहीं किया किसी ने, अच्छा विरोध नहीं किया तो नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, कोई पत्थर चला क्या,